सावन माह के अंतिम सोमवार झमाझम बारिश में कालेश्वर महादेव मंदिर में छाता लेकर दर्शनों को हजारों श्रद्धालु डटे रहे। कालेश्वर महादेव मंदिर में शिव पिंडी के दर्शनों को बेकाबू हुई भीड़ को काबू करने के लिए रक्कड़ पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा। सावन महीने के अंतिम सोमवार को गरली के निकटतम शिव तपोभूमि कालेश्वर महादेव और ढलियारा के करीब 5 किलोमीटर दूर विराजमान श्री मचकुंड महादेव मंदिर परिसर में मूसलाधार बारिश के बावजूद भी भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। कालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह करीब 4 बजे से ही स्थानीय इलाकों के अलावा पंजाब, हरियाणा व अन्य पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस दौरान कालेश्वर महादेव मंदिर के निकट अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा बनाया गया पवित्र स्नान सरोवर में करीब 20 से 30 हजार भक्तों ने डुबकी लगाकर मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर छाता लेकर लंबी कतारों में मंदिर में माथा टेका। प्रशासन की तरफ से आए हुए सुरजीत शर्मा पटवारी ने बताया कि प्राचीन कालेश्वर मंदिर में श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को काफी संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और सभी भक्तों को लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। पंजाब से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि हमें लगभग 22 साल लगातार कालेश्वर मंदिर में आते हुए हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें पहले से सुधार हुआ है और लोगों की आस्था इस मंदिर में और बढ़ गई है। स्वामी विश्वनाथ जी जो कि यहाँ पर उनके पहले जो गुरु महाराज थे उनके बाद इन्होंने यहाँ की गति को संभाला है, तो इनसे स्वामी जी आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, तो आज भीड़ कैसी है यहाँ पे? आज ये तो बहुत भीड़ है। अच्छा जी, भीड़ अग्री के लास्ट सोमवार है इसलिए ज़्यादा भीड़ आ जाती है। स्वामी जी आप हमें बताइए कि भीड़ काफ़ी है, बरसात का मौसम है, व्यवस्था यहाँ वो चरमरा चुकी है पूरी, क्योंकि श्रद्धालु जो वो छाता लेकर दर्शन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर असर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी टिन शेड डालने के लिए पूरा कमेटी ने नया कमेटी पूरा लिया हुआ, अब तब तक ये लग जाएगा तो फिर उसके बाद वो बरसात में इतना तकलीफ नहीं होगा। और जो पहले यहाँ जलाभिषेक होता था मुख्य जो पिंडी है उसके ऊपर, वो अभी प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है, तो उससे आस्था में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, ये हाईकोर्ट का थ्रू बंद किया है, हाईकोर्ट ने बता रहा है उस रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में पानी चढ़ने से वो पिंडी है ना खराब हो रहा है, इसलिए वो बंद किया है। फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आपके रखा हुआ अपील रखा हुआ, हम लोग कम से कम मिनिमम पानी चढ़ाने के लिए परमिशन दे देना चाहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी चला हुआ केस है, अभी फैसला दे देगा इसका। आपको क्या लगता है कुछ श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे जरूरी है जल अभिषेक? हाँ जी, हम लोग उनका कहना क्या है कि हमारा रास्ता पे पहुँचती है, हमारा भावना है ना, उसमें आप पत्थर के रूप में नहीं देखता हूँ, तो पत्थर में शिव शक्ति का शक्ति है ना वहाँ बैठा हुआ, उस शक्ति के लिए हम लोग चढ़ावा कर दो, उस शक्ति के लिए हम लोग जल चढ़ा दो, तो हम लोग पत्थर एक निशानी है उस पिंडी के ऊपर, हम जल चढ़ाने से शिव शक्ति है ना वो शिव जी का खुशी हो जाता है, इसे हमारा क्या मांगे वो दे देता है देवता, तो हम देवता के लिए करवा रहा हूँ। ये चीज़ हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ, कम से कम ज़्यादा पानी नहीं है अभी, ये गड़ी भी बड़ा गड़ी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50 ml 100 ml इसी तरह हम लोग चढ़ाने के लिए परमिशन देने के लिए हमने रखा हुआ, अभी मिल जाएगा। मेरा नाम है राजा, सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी सर, आप पहली बार आए हैं या पहले भी यहाँ पे? 22 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा जी, आपकी आस्था कैसे यहाँ पे बनी? मेरी आस्था बचपन से ही भोलेनाथ के साथ जुड़े हैं। नहीं, यहाँ के बारे में आपने कैसे जाना? यहाँ के बारे में ये बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का। अच्छा जी, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में?
आप क्या बता सकते हैं कि ठीक है, सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? व्यवस्था डे बाय डे बहुत सुधार हो गया। यहाँ पहले 22-23 साल पहले कुछ नहीं होता था। ठीक है, हम तो बहुत सिस्टमेटिकली काम कर रहा था। अच्छा जी, लोगों की आशा बढ़ रही है, चंद लोग आते थे पहले, लुधियाना हमारा एरिया, बहुत सारा पंजाब यहाँ। अच्छा जी, और यहाँ सफाई वगैरह के बारे में? सफाई की व्यवस्था की थोड़ी सी और जरूरत है, बाकी ठीक है। तो आप कोई अपना मैसेज देना चाहते हो प्रशासन को? या ठीक है जी। और यहाँ पे जो पहले पिंडी पे पानी चढ़ाया जाता था, जल अभिषेक किया जाता था, जो कि अब प्रशासन ने उसके लिए रोक लगा दी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, आप लोग सेटिस्फाइड हो इस बात से? ठीक है जी, ओके।